राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो कलर में पड़ने वाला डिज़ाइन बताऊंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे टू के मल्टीपल से फंदे डाल लिए हैं। और आप भी ऐसी तरीके से बॉर्डर बनाए, बॉर्डर बनाने के बाद में दो दो फंदे के हिसाब से फंदे आप डाल सकते हैं। और यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे, ये हमारी सीधी साइड है, और यहाँ से हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। तो आपके पास जो भी कलर हो उस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। तो हम ये सारे फंदे ऐसे सीधा बुनते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे, सीधा बुनेंगे ऐसे। एक एक फंदा बुनते हुए सीधा बुनेंगे। तो ये सिलाई हमारी बन गई है। अब इसकी उल्टी सिलाई है, तो उल्टी सिलाई में कैसे बनाएंगे देखिए। तो उल्टी सिलाई में पहला फंदा हम ऐसे स्लिप कर लेंगे। तो आप इसे स्लिप करें या बुने वो आपकी मर्जी है। इस तरीके से हमने यहाँ पे स्लिप कर लिया है, और ये दो फंदे हैं ना, इन दो फंदे के बीच से यहाँ से ऐसे एक लूप निकालेंगे। सिलाई हमारी उल्टी है ऐसे, और फंदा हम इस तरीके से निकालेंगे ऐसे लूप, थोड़ा सा बड़ा। फिर इन दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे। फिर से ये दो फंदे हैं ना, इन दो फंदों के बीच से यहाँ से, फंदे से नहीं बीच से, यहाँ से ऐसे एक लूप निकालेंगे, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। फिर इन दो फंदों को पीछे की ही साइड से ऐसे एक फंदा बनाएंगे। दो फंदों के दो ही फंदे रहेंगे, कोई भी फंदा ना बढ़ा है ना घटा है इसमें, ऐसे ही। फिर इसमें दो फंदों के बीच से ऐसे लूप निकाला, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया ऐसे। फिर दो फंदों के बीच से एक लूप निकाला, फिर से दो फंदों के एक फंदा बनाया। तो जितने भी फंदे हैं हमारे पास पूरी सिलाई में ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। ऐसे लूप निकाला, उसके बाद दो फंदों का एक फंदा बनाया, फिर एक लूप निकाला, फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाया। फिर यहाँ पे दो फंदों का एक ऐसे लूप निकाला यहाँ पे, और फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया। लास्ट में एक फंदा उल्टा बनेगा। तो ये हमारी दो सिलाई बन गई है। अब इसकी तीसरी सिलाई है, तो कुछ इस तरीके से डिजाइन देखेगा। तो तीसरी सिलाई में हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, और एक एक करके सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। सीधा बुनते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई है डिज़ाइन की। तो बहुत सुंदर सा ये बन के आता है डिज़ाइन, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है, और बनाने में बहुत आसान है। इसे आप किसी भी स्वेटर में डालें, लेडीज़ स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, किसी में इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे हमारी ये तीसरी सिलाई बन गई है। अब इसकी चौथी सिलाई है, जो कि उल्टी है। तो उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा बुनेंगे, सारे फंदे हम उल्टे बुनते हुए ये चौथी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये चौथी सिलाई भी हमारी बन गई है। अब इसकी सीधी सिलाई है। तो सीधी सिलाई में हम अपना बेस कलर, जो हमारा वाइट कलर है ना, उसको लगाएंगे यहाँ। तो पहला फंदा हम ऐसे बुनते हुए पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे, ऐसे सारे फंदे सीधे बुनेंगे। तो इसको बुन लेते हैं पहले। तो ये सिलाई हमारी सीधी बन गई है। अब इसकी उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई को पहला फंदा स्लिप करने के बाद में सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस सिलाई को हम पूरा उल्टा बुन लेते हैं। तो ये दो सिलाई, एक हमारी वाइट की सीधी और उल्टी बना ली है हमने। अब इसकी फिर से, आपके पास अगर और कलर है, मल्टी कलर में बनाना चाहें तो फिर दूसरा कलर लगा सकते हैं, और अगर नहीं तो दो कलर का बनाएं। तो इस तरीके से फिर से हम अपने
ये जो कलर है हमारा जिससे डिज़ाइन डालना है उसी को फिर से हम यहाँ सीधी सिलाई बुनेंगे। तो इस सिलाई को भी हम पूरा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, सारे फंदे सीधे निकालेंगे। जैसे हमने नीचे की जो लाइन बनाई है ना, वैसे ही इसके ऊपर से दोबारा से बनेगी। तो एक बार इसमें हम आपको फिर से बता देते हैं, जिससे कि कहीं भी आप भूले ना आ जाए डिज़ाइन। इसलिए तो पहला फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे हम, और जैसे हमने नीचे के यहाँ बनाई थी वैसे ही इसको बनाएंगे। ऐसे दो फंदे हैं ना, दो फंदे के बीच से यहाँ से लूप निकाला और फिर पीछे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाया। फिर से यहाँ दो फंदों के बीच से लूप निकाला और फिर पीछे से दो फंदों का एक फंदा बनाया। तो पूरी सिलाई जैसे हमने नीचे बनाई वैसे ही इसको बनाते हुए जाएंगे। बस इसी सिलाई को दोहराएंगे, बाकी तो सीधा उल्टा जो है बुनने को है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये दो एक ही सिलाई का ये डिज़ाइन है वैसे, बाकी सीधा उल्टा है पूरा। तो इसे कोई भी बना सकता है, जैसे सीधा उल्टा आता है बनाना वो बहुत ही जल्दी बना के तैयार भी कर सकता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। किसी भी चीज़ में डालें आप, कोई भी स्वेटर बनाएं ऐसे पीछे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, लास्ट में एक फंदा उल्टा बने। अब इसकी सीधी सिलाई है तो इसको पूरा सीधा बनेंगे। तो जैसे हमने नीचे का ये बनाया है वैसे ही इसके ऊपर से सिलाइयाँ डालेंगे। पहले सीधी बुनेंगे, फिर एक उल्टी बुनेंगे, उसके बाद दो सिलाइयाँ, फिर ये वाइट कलर से बनाएंगे, फिर इसी डिज़ाइन को इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करेंगे। तो जब इसे बार बार रिपीट करेंगे तब ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बन के आएगा। बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है और बनाने में बहुत आसान है। तो आप इसको बनाइए और किसी भी स्वेटर में डाल के बनाइए। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।